हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जो मीटिंग कल होने वाली थी, रेट को लेकर हो, चाहे विद्यालय की पोशाक को लेकर हो, और भी कई मामले थे, तो वह बैठक आज संपन्न हुई गोविंद सिंह डोटासरा माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में, जिसमें सबसे मुख्य बातें क्या रही, देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया है। जयपुर शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी ने कहा, उर्दू विषय को बंद करने की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि लगातार कल भी देखने में आया था कि उर्दू विषय के बारे में कहा गया था कि यह विषय बंद होने वाला है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि उर्दू भाषा को नहीं किया जा रहा है बंद, तो ये स्पष्ट कहा है। साथ में SC ST बैकलॉग को जल्द पूरा करने का लिया गया फैसला। इसी के साथ में और मुख्य चीज, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी ने ली अधिकारियों की बैठक। बैठक के बाद बोले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रीट भर्ती की बात हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षा कैडर और शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर बैठक में की गई चर्चा, साथ ही आगामी सत्र में ड्रेस चेंज करने की फाइल को लेकर भी की गई चर्चा, यानी रीट भर्ती और साथ में कंप्यूटर शिक्षक और इसके साथ में तबादला नीति को लेकर भी चर्चा की गई। इसी के साथ में देख सकते हैं कि जो रीट है, रीट में केवल एक ही पेपर रखे जाने की अभिशंसा की गई है, जो कि सबसे मुख्य बात थी कि सभी अभ्यर्थी यह सोच रहे थे कि पेपर दो होंगे या एक होंगे। पहले सभी को लग रहा था कि हो सकता है पुराना जो पैटर्न चल रहा था, कांग्रेस सरकार में भी चला था, पहले पहले टेट हुआ करता था, उसके बाद एक पेपर हर विषय का हुआ करता था, तो सभी के मन में यही बात थी कि हो सकता है उसी पैटर्न पे पेपर हों, लेकिन अब बिल्कुल साफ कर दिया है रीट में एक ही पेपर रखे जाने की अभिशंसा की गई है। इसी के साथ में वाणिज्य विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा, जिसमें होता क्या था, वाणिज्य जो अभ्यर्थी थे वो कहीं न कहीं रह जाते थे, तो उन्हें भी मौका मिलेगा। साथ में राजकीय विद्यालयों की पोशाक में भी परिवर्तन होगा, और जो प्रबोधक हैं वो बनेंगे वरिष्ठ प्रबोधक। तो इस तरह की कुछ जो आज बैठक हुई, शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक, इसमें यह निर्णय लिए गए हैं। तो रीट के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही शेड्यूल भी आ जाएगा। इसी के साथ आपको अब दो पेपरों की बजाय केवल एक ही पेपर पर फोकस करना होगा। रही बात वेटेज की, तो वेटेज को लेकर कोई भी ट्विटर पर या कहीं और किसी माध्यम से कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आएगी। जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।